स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। परदेशी भारतीयों पर अवैध संपत्ति पर कड़क नजर, हाई प्रोफाइल लोग निशाने में। कांग्रेस ने लगाया आरोप जेटली पर। देश में करोड़पतियों की संख्या 60%। कालाधन विरोध में केंद्र सरकार शुरू की हुई कार्रवाई के बाद भी अब लोग डरे हुए हैं। जिनके पास काला धन अभी भी है, ऐसे ही कुछ लोगों ने तो पलायन भी कर दिया। लेकिन अब सरकार ने और एक योजना बना ली है, विदेश में अवैध तस्करी के पैसे और संपत्ति जमाने वाले लोगों के लिए यह सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कर्जा लेकर डूबा दिया हजारों करोड़ों का चूना लगवाया और इनके संबंध भाजपा से है तो इन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन इन सब में आम जनता से बैंकों द्वारा पैसे वसूला जा रहा है। नॉन प्रोकोम एसेट के नाम पर लुटेरी भाजपा, ऐसे आरोप कांग्रेस ने लगाया। पीएनबी घोटाला फरार आरोपी में मेहुल चेप्सी, गीतांजलि जेम्स कंपनी के साथ अर्थमंत्री अरुण जेटली, उनकी बेटी और दामाद भी शामिल है, ऐसे कांग्रेस ने बताया। देश में करोड़पतियों की संख्या 60% बन गई है। समय समय पर टैक्स भरने वाले और करोड़ के आगे सालाना कमाई करने वाले लोगों की संख्या 1,40,000 बढ़ गई है। सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय सरकार ने इस संदर्भ में गिनती का पूरा तख्ता बना लिया है। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।